सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुती और हमारे स्पेशल सेगमेंट खाने पीने की बातों में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं कैफे पैलेट जो कि साकेत नगर में है। तो हम सर से जानते हैं कि उनकी कैफे की स्पेशलिटी क्या है। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने कैफे की शुरुआत कब से की। कैफे की शुरुआत करीब 2012 से चालू हुई थी। पहले एक कैफे खोला था हम लोगों ने मनुमागंज में, और वहाँ पर कैफे के अलावा हमारे पास आर्ट गैलरी, आर्ट स्टूडियो और कैफे था। फिर उसके बाद शिफ्ट होकर 2014 में साकेत में आया। साकेत में तब से हम लोगों ने कैफे चालू करा। क्या स्पेशल चीज़ है, मतलब कुछ डिशेज हैं जो यहाँ पर स्पेशल? बेसिकली तीन चार चीज़ें हैं डिशेज के अलावा। डिशेज में भी ऐसा है कि हमारे पास कुछ डिशेज हैं जो साउथ अफ्रीकन डिशेज हैं, कुछ मेडिटेरियन डिशेज हैं, ऐसे अलग अलग प्रांत की अलग अलग जगहों की हमारे पास डिशेज हैं। सेकेंडली हमारे कैफ़े के अलावा हमारे पास एक आर्ट गैलरी है जिसमें हम लोग नए जो आर्टिस्ट हैं और नए फोटोग्राफर्स हैं उनको हम लोग मौका देते हैं उनके अपने आर्ट वर्क को दिखाने का। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग जो नीचे हम लोग एक ऐसा स्टोर लेके आ रहे हैं कि जिसमें इंदौर के जितने भी आर्टिस्ट हैं वो अपना जो चीज़ें बनाते हैं या कुछ आर्टवर्क बनाते हैं वो शोकेस करने के लिए ये हम लोग ने बता सकते हैं। कैफे का अभी तक आपका रिस्पांस कैसा रहा? रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, सब लोगों का प्यार मिला है और छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सब लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। ऐसी कुछ डिशेस के नाम या मतलब कुछ स्पेशल हो जो लोगों को पता चले कि यहाँ मिल जाए? बनी चाव है। बनी चाव बेसिकली एक साउथ अफ्रीकन डिश है जिसमें एक ब्रेड को फॉलो करके उसके अंदर वेज नॉनवेज सब्जी डाल के उसको बेसिकली हम खाते हैं। ये एक है, ऐसा है फलाफल ब्लाटर है जो बेसिकली मेडिटेरियन डिश है। और हमारे पास अमेरिकन भी हैं, हमारे पास सैंडविचेस हैं, अमेरिकन बर्गर्स हैं, ये चीज़ हमारे रेंज क्या रहती है आपके यहाँ खाने की? रेंज है करीबन मान के चले 80 रुपये से लेकर करीबन 400 रुपये तक की रेंज है। कुछ स्पेशल पार्टी के लिए कुछ अरेंजमेंट या बर्थडे के लिए? हमारे पार्टीज़ और पार्टीज़ और उसके लिए हमारे पास टेरेस है जो बहुत खूबसूरत है, वो बेसिकली पार्टीज़ और उसके लिए हम लोग देते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने एक नया सेगमेंट चालू करा है यहाँ पे कि जिसमें हम लोग रॉयल कुजीन जो रहता है राजस्थान का रॉयल कुजीन उसकी चीज़ें हम लोग फ्यूजन वे में यहाँ सर्व करते हैं। जैसे लाल मांस हुआ, सफ़ेद मांस हुआ, शिकारी गोश्त हुआ, गुलाब की खीर हुई, सुसाल हुआ, ये बेसिकली ये सब राजस्थान के रॉयल फैमिली से वो लोग यहाँ सब करते हैं तो वो आप यहाँ पर प्रोवाइड। और इसके अलावा जो लोग जानना चाहते हैं कैफ़े के बारे में कुछ आप बता दें। तो ये कैफ़े बेसिकली जनरली हम जैसे किसी कैफ़े में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा एक कमर्शियल सेटिंग रहती है, कमर्शियल एनवायरनमेंट रहता है। या बेसिकली वहाँ जाते हैं, आप कॉफ़ी पीते हैं और बस खत्म हो। हम लोगों ने अलग अलग सेगमेंट बनाए, एवरी सेगमेंट को हम लोगों ने बेसिकली घर जैसा स्वरूप किया है कि ताकि आप यहाँ आए। कैफ़े क्यों जाते हैं आप? कैफ़े इसलिए जाते हैं ताकि आप वहाँ जाके आराम से बैठें, आप आराम से बात करें। बेसिकली हमारा एवरी सेगमेंट, एवरी हमारे कैफ़े का हर जगह एक अलग फील देता है। तो इस बेसिकली हम लोग उसको घर का माहौल देने की कोशिश करें, इंटीरियर घर टाइप का, ताकि घर जैसा लगे, लोग एट होम फील। और आप कैफे आ सकते हैं जो साकेत नगर में है कैफे पैलेट के नाम से, यहाँ पर आपको घर जैसा माहौल मिलेगा और चीज़ें भी यहाँ पर आपको काफ़ी मिल जाएगी। तो देखते रहिए घमासान.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।